हे गाइस, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे अनुप ठाकुर ब्लॉग्स के चैनल पे। तो गाइस अभी शाम के गाइस 4:30 बज चुके हैं। लक्ष्य अभी घबरा रहा है गाइस, क्यों? बिकॉज अभी ना कपड़े बदल रहा है अभी फिलहाल। तो अभी फोन चाहिए स्कूल से। खाना वगैरह खा दिया? खाना खाया नहीं? क्यों, कब खाएगा खाना? दबाएंगे तब ना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं काम करने के लिए यार, चुनौती भरा काम। ये रहा गाइस घर लक्ष्य। अब तो कपड़े चेंज कर रहा था, अभी शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे निकलते हैं गए नहीं तो खाना भर से आवाज़ लगाना शुरू कर देंगे। उससे पहले पहले निकलते हैं, ये पानी भर लिया हमने। आपको बताते हैं क्या काम करने के लिए जा रहे हैं हम। लक्ष्य आए नहीं तेरे को? टाइट हो गए गए जिसको कपड़े, लड़के को ना थोड़ी बॉडी बनाने लग पड़ा। अभी थोड़ी बॉडी बनाएगा तो दिखेगा खतरनाक तरीके से दिखेगा। ठीक है, आ गया भाई अपना प्राण। चप्पल पहन के तो वही चप्पल पहनते हैं यार। यार हैं ऐसा? अच्छा तो यार चलो चलते हैं। हाँ गाइस, लाइक व्हाट इज दिस? यू कमेंट विद कमेंट। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन कमेंट इन राइटिंग व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? वो इज दिस माय हैंड? कमेंट इन राइटिंग ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। राइटिंग वो इज दिस माय हैंड स्वाजिंग। पहाड़ों में गोबर कैसे लगाया जाता है? गाय का गोबर, ठीक है, और इसका क्या यूज होगा? गाय धुआं देख रहे हो गाय के गोबर से आ रहा है। इसमें ना गर्मी होती है अंदर, गोबर में बहुत गर्म होता है गोबर। चावल मदद से लगाना पड़ता है। मैं देख दिखाता इसका, ये जो घास घास है ना ज्यादा ही है, ये वाला घास जो है ना इसको तो एक जगह पर फेंक देंगे। ओ भाई इतना हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि बीच में अच्छे से सड़ जाए। ओ भाई आग लग गया। अरे नीचे नू आओ, आग लग गया भाई, आग गर्म हो गया। ओ भाई ये तो 50 की होगा। गाइस बताओ ये क्या है? मैं ही बता देता हूँ, चलो छोड़ो, आपको पता नहीं होगा। ऐसे निकालने पड़ते इसका बड़े बड़े। ये है गाइस गोबर, हिमाचल गांव में निकाले जाते हैं गाइस ऐसे गोबर। हिमाचल में हर एक जगह पे वहां पे पशु होते हैं। वहां पे कौन आता है बनाया हुआ गोबर के बाहर बना? ये नीचे जमीन है इसके है? मेरे को भी आना है, पर आना है। तो गाइस मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ भैया, यहाँ से यहाँ कूद देना इजी वे। माय पेशेंस इज गोइंग दिस डिस्टेंट टाइम, माय पेशेंस इज गोइंग, पता है देखा था इस डिस्टेंट निंग आई आई या का दिस आई यू नो। ऊपर कैसे हूँ अब? कपड़े का चक्कर पड़ गया गाइस। कौन मासड़ ने बोला माता लो आओ तो मेरे को पकड़ो तो। अरे मासड़ ने मना करा, ब्लॉग देखा था काला सा था। तो बता दे वो स्टोरी। एक बार हम गोबर लगा रहे थे, हम नहीं आप, तो हम गोबर लगा रहे थे मैं और नवीन ही अकेला काम है। और एक बार हम गोबर ढो रहे थे, लगा के खत्म होने वाला था, ठीक है, बड़े बड़े दो सांप। हाँ एक बार ढो भी रहे थे डंगा लगे ढोने के बाद डंगा। फोकस कहाँ है कैमरे का? आपके तरफ। और गोबर ढोके फ्री होने वाले थे हम, मतलब सारा गोबर ढो दिया था हमने, ठीक है। वो जाके निकले दो सांप भैया पत्थर। वो देखो ठंगी सांप और दो बड़े बड़े सांप। कितने बड़े थे? काफी बड़े थे,
होंगे भी साढ़े पाँच से छः के फुट के करीब होंगे, छः फुट के करीब, ठीक है। अच्छा, सारे घबरा गए जितने भी थे गोबर ढोने वाले, सारे घबरा गए। पर हाँ, इतना बड़ा सांप कभी, और हम देखा, हमने उनको पहले जान दिया साइड को ना, फिर काम स्टार्ट किया दोबारा। यहाँ पे हमेशा सांप रहता है कहाँ? और एक बार मैं गोबर लगा रहा था ऐसे ही, यही काम कर रहा था, और इस जगह पे गोबर वो निकल गया सांप, बड़ा काम खत्म हुआ, होने वाला था जैसे वैसे। क्या होता अभी भी मिले एकदम से दिखाई, सब्सक्राइबर हो गया। किसका माता गोबर, ये पता किस काम आता है? किस काम? खेत में फसलों में डालने के। अच्छा, तो इसलिए कर रहे हो? हाँ। तो इसमें धुआं क्यों निकल रहा है? है? हाँ? धुआं? इसमें नमी रहती है। नमी तो ठीक है, पर धुआं? गर्माहट रहती है इसमें। गैस देख रहे हो, धुआं ही धुआं नीचे दिख रहा होगा आपको, मासड़ के पैर के पास कितना सारा, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर किसी ने आग लगा रखी है। आग से ज्यादा गर्म होती है भैया? आग से, हाँ, बहुत गर्मी रहती है। ओ भाई, इसके बिना ना खेत में कुछ फसल नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि ये फसल में ना प्रोटीन का काम करता है, जैसे तुम मांस के ना खाते ना बॉडी बिल्डर, वैसे फसल के लिए गोबर है, ठीक है, प्रोटीन, वैसे फसल के लिए गोबर काम करता है प्रोटीन का। सो गाइस, इसमें देखो कितने सारे छोटे छोटे कीड़े हैं। हाँ, इन कीड़ों को क्या बोलते हैं लक्ष्य होता? कौन से? जिसमें वो जो खून चूसना लेते फिर केंचुआ। अच्छा, अर्थवर्म केंचुआ बोलते हैं। गोबर को ब्रीक करते हैं, ये मिट्टी को नरम करते हैं ना, मिट्टी को, गोबर को, गोबर को, मिट्टी को भी मिट्टी में क्या? हाँ, मिट्टी में कहाँ होते हैं? करते हैं, होते हैं मिट्टी में, वो नहीं होते? कौन से होते हैं? अर्थवर्म नहीं तो अर्थवर्म में अर्थवर्म होते हैं यार भैया, मिट्टी में। गाइस, जिस इसको लगता है कि अर्थवर्म मिट्टी में होते हैं तो लाइक करो, और जिस इसको लगता है कि केंचुए गोबर में होते हैं वो सब्सक्राइब करो। गाइस, आपने सुना ही होगा कि अर्थवर्म मिट्टी को नरम करता है, और गाइस आपने सुना ही होगा कि केंचुए गोबर को नरम करते हैं, ब्री करते हैं। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं हम गोबर का ढेर लगा के, और अभी जा रहा हूँ मैं धूपबत्ती करने के लिए, तो ये ले चलते हैं। इसमें है गाइस घी, तो घी से करते हैं गाइस हम लोग धूपबत्ती। और ये गाइस ये रहे बोरे थोड़े, इसमें ना गाइस हम वापस लकड़ियाँ लेकेंगे गाइस, इससे हम थोड़ी बहुत लक्ष्य लेके आएगा, थोड़ी बहुत गाइस मैं लेके आऊँगा। ऐसा हो जाएगा ना, जलानी हो ना जब चूल्हे में लकड़ियाँ तो ठीक रहती है गाइस, अभी सूखी हुई भी हो तो उसको डालेंगे, पापा डाल देते हैं, हम लेके आ जाएंगे, अदरवाइज ऐसा टाइम नहीं लगता है, तो अभी जाएंगे फिलहाल उसी जगह पर लकड़ियाँ रखी हुई ढेर। लक्ष्य इसको लेके आइयो। बाकी गाइस ये देखिए, ऐसे लगा दिया मैं इसका ढेर गोबर का, अभी बिल्कुल सीधा हो चुका है, देखो बिल्कुल प्लेन हो चुका है, दूर से दिखाता हूँ, अभी काफ़ी दूर हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। कुश्ती भी कर सकते हैं गाइस अगर करनी हो। कहाँ? हाँ, इसी में रहते हैं, इसी जगह पर सांप रहते हैं, जिस जगह पर छेद है ना उसी जगह पर सांप रहते हैं। तो चलो गाइस, अभी सबसे पहले तो भगवान जी का नाम लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली ये रखी वो लकड़ियाँ, लेके जाना है घर को, यहाँ पे थे गाइस फिलहाल ना, पहले रखी तो पापा ने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी है, अभी इसको लेके जाएंगे देखो, तो बढ़िया जलेगी गाइस पहले, पर इसके ना दो तीन टुकड़े करने पड़ेंगे तब जाके जलेगी गाइस, क्योंकि चूल्हे में एक इतनी बड़ी तो आएगी नहीं यार, आ जाएगी लक्ष्य नहीं ना, तो इसको दो दो करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे ढंग से जल जाएंगे। क्या हुआ? चलो गाइस पहले धूपबत्ती कर लेते हैं हम लोग, गाइस इसको ले जाने से पहले धूपबत्ती कर लेते हैं हम लोग। हाँ, हटाओ। जय माता दी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, कर लेते हैं धूपबत्ती।